नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तारा मधु की रसोई से। दोस्तों आज मैं आपके साथ मूंगफली और नारियल की चटनी की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। हमें कभी कभी प्रॉब्लम ये आती है कि हमें चटनी बनानी है लेकिन हमारे पास कच्चा नारियल बिल्कुल नहीं है, तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप और ट्रिक बताने जा रही हूँ जिसमें आपको बिना कच्चे नारियल के भी आप बहुत अच्छी चटनी बना सकते हैं। ये चटनी बहुत सी चीज़ों के संग खाई जाती है जैसे कि सूजी के अप्पे, डोसा, इडली। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा, और हाँ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाइएगा ताकि न्यू नोटिफिकेशन न्यू रेसिपी का आपकी स्क्रीन पर तुरंत पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम लेंगे एक फ्राइंग पैन और उसमें डाल देंगे थोड़ा सा, लगभग आधा चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब मैं इसमें डाल दूंगी आधा चम्मच के करीब राई, सरसों के दाने, और साथ में मैं डाल दूंगी दो चुटकी के करीब हींग। इस मसाले को थोड़ा सा तिड़कने देंगे, राई और हींग थोड़ा सा चटक जाए। और अब मैं डाल दूंगी यहाँ पर 5 से 6 कलियां लहसुन की, और अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 लाल मिर्च, और इस मसाले को अच्छे से मैं सौटे करूंगी। साथ में डाल दूंगी मैं थोड़े से कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता से इस चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और बस अब इन सारे मसालों को थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूंगी, और अब मैं मूंगफली इसमें ऐड करूंगी। मैंने मूंगफलियों को पहले से ही रोस्ट करके उनके छिलकों को उतार लिया है, तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मूंगफली, और अब इनको अच्छे से हम रोस्ट करेंगे। बढ़िया से हमें इसे रोस्ट करना है, 2 से 3 मिनट इसे हम बस चलाएंगे, ये रोस्ट हो जाएगा। दोस्तों ये रोस्ट हो चुका है, अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी और इसे थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी और फिर हम इसे पीस लेंगे। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ सब्स्टिट्यूट कच्चे नारियल का। मैंने यहाँ पर सूखा नारियल लिया है, जो हम भाई दूज वगैरह में यूज करते हैं ना मिठाई के लिए, वही वाला नारियल मैंने यूज किया है। साथ ही डाल दिया थोड़ी सी इमली, और अब मैं अपना ये डाल दूंगी मूंगफली का मसाला जो मैंने अभी भून कर ठंडा किया है। स्वाद अनुसार मैं इसमें नमक डाल दूंगी। दोस्तों नमक अभी ही ऐड करना है, गरम जब हम मूंगफली कर रहे थे तब नहीं करना है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी मैजिक यानी कि 2 चम्मच दही। जी हाँ, इन्हीं चीज़ों से हमारी चटनी जो है वो बहुत टेस्टी बनेगी। साथ में आप थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए, अगर आपकी चटनी थोड़ा सा गाढ़ी होती है तो और ऐड कर दीजिए। तो लीजिए मैंने इसको पीस लिया है, ये देखिए मेरी इस कंसिस्टेंसी की है। चलिए अब हम इसको एक तड़का देते हैं। वापस से फ्राइंग पैन में डालना है 1/2 चम्मच तेल, और उसमें डाल दूंगी मैं राई, सरसों वाली, और इसको तड़कने देते हैं थोड़ी सी देर। आप चाहें तो ऐसे भी चटनी को सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये छौंका ऊपर से डाल देंगे तो इससे ये और अच्छी टेम्पटिंग और टेस्टी लगेगी। अब मैं डाल देती हूँ इसमें 4 से 5 लगभग डाली के कड़ी पत्ता, इसको अच्छे से भूनती हूँ। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्ची का पाउडर। जब लाल मिर्ची का पाउडर ऐड करें तो गैस को एकदम सिम कर दें, वरना लाल मिर्ची बहुत जल्दी जल जाती है और फिर स्मेल आती है, धांस सी उड़ जाती है। और बस इस मसाले को अच्छे से हमें हिलाना है और अपने बनाए हुए जो हमने मिक्सी में पीसा है वो डाल देंगे। यहाँ गाढ़ी है तो मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, और बस इसे एक बॉईल होने तक हम पकाएंगे और कर देंगे गैस को बंद। और तैयार है हमारी इडली, डोसा, सूजी के अप्पम, उत्पम के साथ खाने वाली मूंगफली और नारियल की चटनी, वो भी बिना कच्चे नारियल के। दोस्तों आप इस ट्रिक को अपनाइए, जब भी आपके पास कच्चा नारियल ना हो तो आप सूखा नारियल लें और उससे इस चटनी को बनाएं, चटनी वैसे ही टेस्टी बनेगी और आपके घर में रखे हुए सूखे नारियल भी काम पे लग जाएंगे। तो लीजिए तैयार है आपकी चटनी, इसको मैं गार्निश कर देती हूँ छोटे से कड़ी पत्ता के साथ और एक लाल मिर्ची के साथ। एंजॉय कीजिए अपनी मूंगफली नारियल की चटनी को। मैं फिर मिलूंगी आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।